मेरे माइक्रोबिट के वीडियो ट्यूटोरियल्स पर कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि अगर माइक्रोबिट और बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ना हो तब भी क्या माइक्रोबिट के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो हाँ, आप बना सकते हो। और ये करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो अगर आप ये makecode.microbit.org वेबसाइट पे जाओगे तब आपको यहाँ पर सिमुलेटर मिलेगा, और आप कुछ कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो आप जब यहाँ पे प्रोग्राम करोगे तो यहाँ पर सिमुलेटर में आप उनको देख सकते हो। पर मेक कोड वेबसाइट पर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल इक्विपमेंट जो हैं वो आप यहाँ नहीं जोड़ सकते हो। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो एक बेटर ऑल्टरनेटिव है tinkercad.com। तो tinkercad पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जो हैं वो जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक माइक्रोबिट पर एक सर्वो मोटर लगाई है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिमुलेशन इसको चला रहा हूँ, मैं जब सिमुलेशन रन करता हूँ और मैं ए बटन दबाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि जो सर्वो है वो टर्न करी, और बी बटन दबाने पर वो दूसरी डायरेक्शन में टर्न करी। तो यहाँ tinkercad पर हमने वर्चुअल माइक्रोबिट और वर्चुअल सर्वो मोटर पे यहाँ पर इस तरीके का एक सिंपल सा कोड लिखा और उसको हमने यहाँ सिमुलेशन में एग्जीक्यूट करके टेस्ट किया। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं उनको आप tinkercad पर एज अ सिमुलेशन ट्राई कर सकते हो। तो हम एक सिंपल सर्किट बनाना सीखते हैं। तो मैं tinkercad पर जाकर ये क्रिएट सर्किट का बटन दबा रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं ऑल कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर, कैपेसिटर और कई सारे PIR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ब्रेडबोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड्स के उस पर माइक्रोबिट है, आर्डुइनो है और 80 टाइनी है। तो अभी हम एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। तो मैं यहाँ जाके माइक्रोबिट सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ से फिर मैं माइक्रोबिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ अपने स्टेज पर। और लेट्स से एक हम बहुत ही सिंपल सर्किट बनाते हैं। हम चाहते हैं कि बटन ए दबाएं तो हमारी जो LED है वो लाइट अप हो। तो मैं ये LED ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, और फिर मैं LED की ओरिएंटेशन यहाँ टॉप लेफ्ट में इस बटन को दबा के चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस LED पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पिन है ये कैथोड यानी कि नेगेटिव पिन है, और ये एनोड यानी कि पॉजिटिव पिन है। तो मैं कैथोड पिन जो हमारी है अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद माउस ड्रैग करता हूँ तो ये वायर जो है ये इससे निकल कर आ रहा है, और हम चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम माइक्रोबिट में ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें। तो जब मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और यहाँ पर ये एक पिंक ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, तब जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अब ये कनेक्ट हो गया। और ये जो वायर है ये क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है तो कन्वेंशन कहती है कि नेगेटिव को हम ब्लैक कर देते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर जाके इसका वायर का कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लैक। ऑफकोर्स आप किसी भी कलर का वायर यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मली सर्किट्स को क्लीन रखने के लिए, स्पेशली जब सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब बहुत हेल्प करता है कि हम नेगेटिव को हर जगह नेगेटिव या ग्राउंड को ब्लैक रखें, और हर चीज़ जो वोल्टेज से कनेक्ट हो रही है उसको रेड रखें। तो अब यहाँ जो हमारा दूसरा जो एनोड पिन है इसको मैं क्लिक करके ड्रैग आउट करके माइक्रोबिट में पिन 0 से अटैच कर रहा हूँ, जहाँ पर ये रेड हो जाता है वहाँ पे जाके क्लिक किया। और अगर आप अपना सर्किट डायग्राम नीट एंड क्लीन रखना चाहते हो तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये आ जाती हैं, दैट मीन्स अभी ये वायर स्ट्रेट हैं। और ये जो वायर है इसको मैं फिर से सिलेक्ट करके इसका कलर बदल रहा हूँ, तो लेट्स से इसको मैं येलो कह रहा हूँ क्योंकि इसको हम पिन से कंट्रोल करेंगे, माइक्रोबिट की इस पिन से कंट्रोल करेंगे। हम इसको सीधा 3 वोल्ट में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉजिटिव साइड को सीधा 3 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो जैसे ही हम माइक्रोबिट ऑन करेंगे LED भी ऑन हो जाएगी, बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम माइक्रोबिट से इस LED को कंट्रोल करें। तो मैंने यहाँ पर ये जो माइक्रोबिट की GPIO पिन्स होती हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, उसमें पिन 0 में कनेक्ट किया है। अब हम इसको कोड करते हैं। तो मैं यहाँ जाकर ऊपर कोड का बटन दबा रहा हूँ, तो मेरे पास माइक्रोबिट से रिलेटेड ये सारे जो कोडिंग ब्लॉक्स हैं ये अवेलेबल हैं।
अब मैं यहां जाके ये ऑन स्टार्ट का ब्लॉक हटा रहा हूं, फॉरएवर का ब्लॉक हटा रहा हूं, और मैं इनपुट में जाकर कह रहा हूं कि ऑन बटन ए प्रेस्ड। तो जब ये बटन माइक्रोबिट में बटन ए हम प्रेस करेंगे, तो अब हम क्या चाहते हैं कि पिन जीरो जो है उसमें करंट आए, यानी कि वो हाई हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में हम जब हम किसी पिन को करंट देते हैं तो हम कहते हैं वो पिन हाई हो गई है, और अगर उस वो ऑफ होती है तो हम कहते हैं कि वो पिन लो हो गई है। तो हम चाहते हैं कि जब बटन ए प्रेस हो तो पिन जीरो जो है वो हाई हो जाए। तब मैं यहाँ पे ब्लॉक्स में जाके आउटपुट पे जाके यहाँ पर पिन्स ढूंढ रहा हूँ, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि डिजिटल राइट पिन नंबर जीरो, यहाँ पे ये सारी पिन्स हैं। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पिन जीरो, पिन वन, पिन टू, पिन जीरो, पिन वन, पिन टू ये मिलती है, क्योंकि हमने जीरो पे कनेक्ट किया है। तो मैं पिन जीरो सिलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ कि व्हेन बटन ए इज प्रेस्ड डिजिटल राइट पिन जीरो टू हाई, हम यहाँ पे पिन को हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन सिमुलेशन इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये अब हमारी, अब हम इस सिमुलेटर में चला सकते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हम ठीक से देख पाएं। इस ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको दबा के हम, अगर हमने कोई यहाँ पे कमांड दी होती कि ऑन शेक डू दिस, तो हमारे को ये सारे चीज़ें भी हम इस सिमुलेटर में ट्राई कर सकते थे। पर अभी हमने बहुत सिंपल कमांड दी है कि ऑन बटन ए प्रेस। तो अगर हम बटन ए प्रेस कर रहे हैं तो हमारी जो पिन है वो हाई हो गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ऑफ करें, तो अभी हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखा है इसको ऑफ करने के लिए। तो मैं यहां जाके इसको ही डुप्लीकेट कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि व्हेन बटन बी इज प्रेस्ड पिन जीरो को लो कर देना। तो अब अगर हम फिर से सिमुलेटर चला रहे हैं, हम बटन ए को दबाते हैं तो हमारी एलईडी लाइट अप हो रही है, और अगर हम बटन बी दबाते हैं तो हमारी एलईडी जो है वो ऑफ हो जा रही है। यानी कि हमने अपने माइक्रोबिट में एक सिंपल सा स्विच बना दिया है। अब जब मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो ये यहां पे एक नोटिफिकेशन दे रहा है, करंट थ्रू द एलईडी इज 20.3 मिली एम्पियर्स व्हाइल रिकमेंडेड मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर, द यूजेबल लाइफ टाइम ऑफ द एलईडी मे बी रिड्यूस्ड। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारी एलईडी है ये एक पर्टिकुलर करंट पर ऑप्टिमली चलती है, और इस वक्त इसको माइक्रोबिट से ज्यादा करंट मिल रहा है। तो अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तब मैं हमें बेसिकली यहां पर एक रजिस्टर ऐड करना है, ताकि हम जो करंट हमारे को माइक्रोबिट से मिल रहा है हम उसको थोड़ा कम कर दें। तो ये करने के लिए अगर मैं यहां कोड को बंद करके वापस कंपोनेंट में जाके रजिस्टर ढूंढ रहा हूं, और मैं एक रजिस्टर लेके आ रहा हूं, और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस है, वो इस वक्त 1 किलो ओम है, और हमारे को बहुत कम इसको करंट को कम करना था, तो हम इसकी वैल्यू कम कर देते हैं। हम यहां पर कह देते हैं कि मे बी जस्ट 50 ओम्स का ये हम रजिस्टर ला रहे हैं, और आप देख रहे हो कि इसकी कलर कोडिंग जो है, हमने इस रजिस्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसकी कलर कोडिंग बदल गई है, बिकॉज जो रजिस्टर में कलर स्ट्राइप्स होती हैं उनके हिसाब से हमें पता चलता है कि उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। इस केस में तो हम सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं कितनी है, 50 ओम्स है, और हम इसको ऑफकोर्स जो भी हम चाहें, जितनी भी हमारी नीड है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पर इस रजिस्टर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी फिर ओरिएंटेशन यहाँ से बदल रहा हूँ, और रजिस्टर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और अब इसकी दूसरी तरफ से मैं पिन जीरो पे लगा रहा हूँ, और अब जाकर मैं फिर से स्टार्ट सिमुलेशन कह रहा हूँ। तो अब जब मैं ए बटन दबाता हूँ तो मेरी एलईडी जल गई, वो उतनी ब्राइट नहीं है क्योंकि हमने करंट को कम कर दिया है। एट द सेम टाइम जो हमारे को वार्निंग मिल रही थी कि इस एलईडी की लाइफ हम कम कर रहे हैं, वो फ्यूज हो जाएगी, वो जल्दी ही फ्यूज हो जाएगी, अब वो वार्निंग हमें नहीं मिल रही है। तो हम एक और क्विक प्रोग्राम यहाँ लिख लेते हैं। लेट्स से हम सर्वो मोटर चलाना चाहते हैं, तब सबसे पहले तो मैं जाके ये जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, और फिर माइक्रोबिट रखते हुए मैं यहाँ ऑल कंपोनेंट्स में जाके सर्वो सर्च कर रहा हूँ।
और मैं लेट्स से ये माइक्रो सर्वो लेकर आ रहा हूँ, तो ये माइक्रो सर्वो को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। एक रेगुलर डीसी मोटर और एक सर्वो मोटर में क्या फर्क होता है कि अगर हम एक नॉर्मल डीसी मोटर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये एक सिंपल डीसी मोटर ला रहा हूँ, अगर हम इस डीसी मोटर में करंट सप्लाई करेंगे तो ये कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। हमारे पास अदर देन ऑन ऑफ करना और ये कितने आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट पर ये घूमे, इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमारी रेगुलर डीसी मोटर है ये केवल 20 डिग्रीज या 50 डिग्रीज या 100 डिग्रीज मूव करे। वेयर एज हम सर्वो में ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये मोटर रोटेट करे तो ये कितना रोटेट करे। एक कार के विंडशील्ड वाइपर जो है वो फॉर एग्जाम्पल सर्वो से चल सकते हैं, क्योंकि हम उसको कह सकते हैं कि बार बार केवल 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री और फिर वापस 0 डिग्री केवल इस तरीके से घूमना। तो अब अगर हम इस सर्वो को कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले तो मैं ये डीसी मोटर डिलीट कर रहा हूं। तो सर्वो मोटर पे हमारे पास 3 वायर हैं, एक सिग्नल का वायर है, एक पावर का वायर है और एक ग्राउंड का वायर है। तो सबसे पहले तो मैं ग्राउंड का वायर जो है यही कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैं ग्राउंड को क्लिक करके वायर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब तक मैं इस माइक्रोबिट की ग्राउंड पिन में ला रहा हूं, और जब ये रेड यहां पे स्क्वायर मिल रहा है तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूं, तो ये हमारा वायर ज्वाइन हो गया। ये वायर येलो कलर का है, कन्वेंशन फॉलो करते हुए मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं। फिर मैं पावर का वायर ले रहा हूं और ये है कि ये वायर आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं, और इसको मैं 3 वोल्ट का जो हमारा पिन है माइक्रोबिट में उससे कनेक्ट कर रहा हूं। अगेन कन्वेंशन फॉलो करते हुए मैं इसको रेड कर रहा हूं, और फिर मैं डेटा या सिग्नल की पिन ले रहा हूं, और सिग्नल की पिन को लेट्स से इस बार हम पिन 1 पे अटैच कर देते हैं, माइक्रोबिट की GPIO पिन नंबर 1 पे अटैच कर देते हैं, और इसको मैं लेट्स से ऑरेंज कर देता हूं। तो ये हमारी अब सर्वो जो है ये हमारे माइक्रोबिट से कनेक्ट हो गई है। अब अगर हम कोड में जाकर यहाँ पर यही मे बी यही दो जो बटन है यही बटन हम यूज कर लेते हैं, हम कह रहे हैं कि बटन ए पर क्या करना, नॉट की डिजिटल पिन को हमें हाई या लो करना है, यहाँ पर हमें जाके सर्वो को कंट्रोल करना है, और हमारे को प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में आउटपुट में जाके सर्वो के अपने अलग प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स मिल जाते हैं, रोटेट सर्वो ऑन पिन पर्टिकुलर पिन। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन ए पर डाल रहे हैं, और हम यहां कह रहे हैं कि व्हेन बटन ए इज प्रेस्ड रोटेट द सर्वो ऑन पिन, और इस बार हमने 0 पिन पे नहीं लगाई है, 1 पिन पे लगाई है। यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू पर मैं पिन 1 सिलेक्ट कर रहा हूं, और लेट्स से मैं यहां कह रहा हूं कि टर्न इट बाय 90 डिग्रीज, और मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहां कह रहा हूं कि व्हेन बटन बी इज प्रेस्ड टर्न इट लेट्स से 180 डिग्रीज, और हम ट्राई करके देख लेते हैं कि हमें ये चीज कैसे चलेगी। तो स्टार्ट सिमुलेशन, अब अगर मैं बटन ए प्रेस कर रहा हूं तो हमारी सर्वो 90 डिग्री पोजीशन पर जा रही है, और जब मैं बटन बी प्रेस कर रहा हूं तब हमारी सर्वो 180 डिग्री की पोजीशन पर जा रही है, और वापस 90 और वापस 180। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमने एक विंडशील्ड वाइपर लगा रखा होता गाड़ी का और ये हमारे पास कंट्रोल थे अंदर, तो हम उसको बहुत स्पेसिफिकली कंट्रोल कर सकते थे कि जो हमारे हमारा वाइपर है वो कैसे चले। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर जाकर कोई लूप डाल सकते हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दिस हम कह सकते हैं कंट्रोल में जाके फॉर एवर टर्न सर्वो टू 190 देन टू 180, और हम इसमें बीच में एक बेसिक वेट डाल देते हैं, मे बी लेट्स से 0.5 सेकेंड्स की, और इसको ही डुप्लीकेट करके यहां पर भी एक वेट डाल देते हैं। अब अगर हम ये सिमुलेशन चला रहे हैं तो जो हमारी सर्वो है वो हमारे को इस किस्म का मोशन हमें मिल रहा है। ऑफ कोर्स हम ये सर्वो बार आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये 90 और 180 हैं,
पर आप इन वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हो कि आप सर्वो का एग्जैक्ट क्या मोशन बनाना चाहोगे। तो आई होप ये वीडियो से आपको एक इंट्रोडक्शन मिली कि टिंकर कैड वेबसाइट पर जाकर आप माइक्रोबिट पर कई सारे कंपोनेंट जोड़ते हुए सिमुलेशंस बना सकते हो। तो अगर आपके पास माइक्रोबिट और माइक्रोबिट से रिलेटेड ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं भी है, तब भी आप कई सारे मजेदार प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हो।